नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिथुन नेशनल में। आज का मेरा विशेष लन है क्रिकेट को लेकर के। जैसा कि भारत में बहुत सारे मुसलमान लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की जीत पे खुशी मनाते हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो में कुछ वीडियो हम डालेंगे जिसमें कि आपको वो वीडियो दिख जाएगा कि जहाँ पर मुसलमान लोग पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाते हैं। तो यहाँ पर मेन रीज़न ये होता है कि ये लोग भारत में रहते ही क्यों हैं। बात पाकिस्तान की नहीं है, बात हिंदुस्तान की हारने की बात है। जहाँ पे भारत और पाकिस्तान का मैच हो, वहाँ पे अगर इंडिया हार जाता है तो हम लोगों के दिल पे क्या गुजरता है वो हम लोग जानते हैं। पर यहाँ के मुसलमान लोग, भारत के मुसलमान लोग जो हैं वो पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ करते हैं। भारत के मुसलमानों को समझना होगा कि अगर भारत की हार होती है तो भारत का सर कुछ पल के लिए नीचा हो जाता है, ये सोचना चाहिए भारत के मुसलमानों को। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पटाखे जलाए जा रहे हैं, पार्टिसिपेट किया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और रही हिंदुओं की बात, तो जब भी यहाँ पे हिंदुओं का पर्व त्यौहार जैसे दीपावली, छठ पूजा ये सब होता है, ये दुर्गा पूजा होता है, तो बहुत सारे ज्ञानी लोग ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं कि पटाखे से प्रदूषण होता है। जब यहाँ पर आपने देखा कि रविवार को क्रिकेट में इंडिया हार गया तो वहाँ पर मुसलमान लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तब ये सभी कहाँ जाके छुप गए थे, कहाँ बैठ गए थे, क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है इन सब के बारे में कि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, तो क्यों नहीं उसको रोका गया। और मेन रीज़न ये है, पाकिस्तान हर किसी और से जीतता है पर पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, पर जब इंडिया से पाकिस्तान जीतता है क्रिकेट में तो यहाँ पर मुसलमान लोग खुशी मनाते हैं। आखिर ऐसा ही कि भारत में ही क्यों होता है, क्या इसका कोई जवाबदेही नहीं होगा? क्या कोई भी मुसलमान आ गया कि ये नहीं बोलेगा कि क्यों मनाया जाता है? अगर उन लोगों को पाकिस्तान पसंद है तो वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, भारत में उसको रहने का कोई हक नहीं है और वो जा सकता है। पर जो मैच रविवार को इंडिया हार गया पाकिस्तान से, उसमें तो बहुत ज़्यादातर मुसलमान खुश ही होंगे। खुश होगा क्यों नहीं, क्योंकि वो मुसलमान कौम का देश है पाकिस्तान, और ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। यहाँ पे क्रिकेट को धर्म से जोड़ के देखा जाता है, हमारे यहाँ तो नहीं पर पाकिस्तान की तरफ से शायद ज़रूर देखा जाता होगा धर्म से जोड़ के, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ये सोचता है कि हमने हिंदुओं पे विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए उन लोगों ने क्रिकेट को धर्म युद्ध नाम दे दिया है। और इससे ज़्यादा क्या बुरी हालत हो सकता है भारत के लिए, जो कि भारत के मुसलमान लोग ही खुद भारत के विरुद्ध पटाखे जलाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भारत के हारने का जश्न मनाते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सारी गलती कांग्रेस की है। जिस समय पाकिस्तान का बंटवारा होता हो रहा था, उसी समय सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, ताकि आज का ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये सोचना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि उस समय कांग्रेस का राज था और अभी ये सब हो रहा है। मुसलमान लोगों से देशभक्ति की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। छोटा सा क्रिकेट क्या जीत लिया, अपने आप को तीस मार खान समझने लगा। और यहाँ के मुसलमान लोग खुशी से पटाखे फोड़ रहे थे, उस पटाखे में प्रदूषण नहीं ऑक्सीजन बन के निकल रहा था। और हम लोग जब दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं तो प्रदूषण होता है। धन्य है भारत के मुसलमान लोग। ज़्यादा मैं बात नहीं बोलना चाहूँगा, बस मैं इसी बात के लिए आया था कि इंडिया पाकिस्तान मैच में भारत के हार का जश्न क्यों मनाया जाता है मुसलमान लोगों के द्वारा। सोचने वाली बात है, सोचिए और विचार करिए। हमारे विशेष लन में बस इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।